हेलो एवरीवन, एक बहुत अच्छी वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आप लोगों के एटॉमिक एनर्जी, आप लोग यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से निकल कर आ रही है। इसका मैं साइट भी आप लोगों को पहले वेबसाइट दिखा दूँ, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए अच्छी है अगर आप लोग अप्लाई करना चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर ये एक सेंट्रल लेवल का स्कूल है और आपको ये पूरी तरीके से जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो आप लोगों को जो है वो ये बोला जा सकता है कि केवीएस एनवीएस में जिस तरह से आप पढ़ाते हो उस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। साथ में सैलरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रेशर, जो फ्रेशर है जिन्होंने अभी सिर्फ ग्रेजुएशन बीएड और डीएलएड कंप्लीट किया है और वो बैठे हुए हैं, वो लोग इसमें पढ़ा सकते हैं। फ्रेशर को भी मौका दिया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सैलरी जो है जो केवीएस और एनवीएस में दिया जाता है वही इसमें भी सैलरी है और उसी तरह से आपको मिलेगा। सैलरी का पैटर्न भी हम आपको बताएंगे किस तरह से रहेगा, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में बीएड को मौका दिया गया है तो बीएड वाले बच्चे पीआरटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, आप लोगों को ये हम बता दें। आप लोगों को पता है कि हम लोग वही वैकेंसी लेकर आते हैं जो कि यहाँ लगता है कि इसमें आपको अगर जॉब करने से फायदा हो रहा है तो करना चाहिए। और इसमें और भी डिटेल जो चीजें हैं वो हम लोग अभी आप लोगों को डिटेल से बताएंगे, अप्लाई कैसे करना। अप्लाई का प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है, और आपको एक्सपीरियंस अगर है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहां पर आपको टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी और आप लोगों को जो है बीएड के क्लासेस इंफॉर्मेशन सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है कैटलिस्ट सोनी, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। वहां पर आप लोगों को नोट्स भी दिए जाते हैं, क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। पूरी तरीके से ये टीचिंग के लिए ये चैनल जो है डेडिकेटेड है। चलिए सबसे पहले तो मैं ये आपको वेबसाइट ही दिखा रही हूँ कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद से ये वैकेंसी निकल कर आई है। ये भी मैं बता दूं क्योंकि हैदराबाद साइट की वैकेंसी जल्दी देखने को मिलती नहीं है, और ये वहां से वैकेंसी है। पीआरटी में है, टीजीटी में है, पीजीटी में, सभी जगहों पे जो है आप लोगों को पोस्ट निकला हुआ है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हो ही जाएगा, लेकिन एक बार आप लोगों को अप्लाई करने में जाता क्या है, और ज्यादातर हम ट्राई करते हैं कि वैसे आप लोगों के लिए वैकेंसी लेकर आए जिसमें पैसा ना लगे। पैसा नहीं लगने पर ठीक है, अप्लाई कर देना चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोगों को होता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो उसके बाद का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं काम ही आएगा, और खास करके अगर इसी फील्ड में आना ही है तो फिर देर क्यों करना है ना। चलिए एक एक चीजें मैं आपको समझा देती हूँ, फॉर्म वॉर्म कैसे भरना है सारी चीजें पता चलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट दिखाने का मकसद बस इतना रहता है कि ये पता चल जाए कि फेक वैकेंसी नहीं है, जेन्युइन वैकेंसी है। और जेन्युइन वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कि आपको जेन्युइन जो है जॉब भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी। देखो सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो यहाँ निकला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये भी क्लियरली लिखा हुआ। लेकिन ये सारी जो वैकेंसीज होती है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 ईयर के लिए तो लिया जाता है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस और सारी चीज अच्छा रहता है तो एक्सटेंड कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ लोग एक्सटेंड हो जाते हैं इसमें। Engaging teachers purely on contract basis per period basis in AEC schools Hyderabad for the academic year 2024 and 2025. Applications are invited for filling up leave vacancies and vacancies that may arise for a temporary period on contract basis during the academic year. देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी vacancies आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, तीनों जगहों पर है। और ये वैकेंसीज जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों का जो ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है वो टेम्परेरी बेसिस पे इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में सारी चीजें आपको आपके बोल सकते हो टीचिंग स्टाइल को या फिर आपके टीचिंग मेथड को, बाकी सारी चीजों को देखा भी जाता है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही लेकर के अभी आप चलेंगे। चलिए और बताते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसका प्रोसेस सिंपल है, सबसे पहले तो आपको अपना रेज्यूमे और अपना डिटेल जो है सेंड करना है, एक फॉर्म भरना है। फॉर्म यहाँ दिया गया है, मैं अभी आपको फॉर्म को दिखाऊंगी, और ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, वेबसाइट तो वैसे मैंने दिखा दी, अगर वहां से ले सकते हो तो इजिली जाके ले सकते हो, और नहीं तो आपको ये आप लोग को डिटेल, ये जो एप्लीकेशन है ये भी दे दिया जाएगा, ये आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया है वो भी दे दिया जाएगा, और साथ में फॉर्म जो आपको भरना है जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और उस फॉर्म को भरना है वो सब भी आपको दे दी जाएगी, तो आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर रिटेन टेस्ट एंड दोज हु क्वालिफाई इन द सेम विल बिकम एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। देखो आप लोगों का जो है प्रोसेस ये इस तरह से है कि पहले आप लोगों को ये फॉर्म भरना है, आप लोगों के फॉर्म को देखने के बाद वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कि हाँ इन बच्चों को जो है हमें रिटेन टेस्ट के लिए बुलाना है। रिटेन टेस्ट के लिए आप जाएंगे, जब रिटेन टेस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फाइनली आप लोग का इंटरव्यू होता है या फिर आप बोल सकते हो डेमो क्लासेस दी जाती है, ये चीजें होती है। रिटेन टेस्ट निकालना इसमें थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है, और रिटेन टेस्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जैसे कि पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि पीआरटी से रिलेटेड ही आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, टीचिंग मेथड रहेगा कि आप कैसे बच्चों को हैंडल करोगे, किस तरह से पढ़ाओगे, यही सारी चीजें रहती है, तो डिफिकल्ट वाला में नहीं रहता है। हाँ पीजीटी में अगर करोगे तो पीजीटी में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। जैसे हम टीजीटी पर आ जाते हैं तो टीजीटी में आप लोगों का ग्रेजुएशन और प्लस जो बीएड रहता है वही मांगा गया है, जो नॉर्मली आप लोगों का रहता है एनसीईआरटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया गया है, एनसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वही चीजें आपको रहेंगी। तो 3 इयर्स बीएड बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड डिग्री, ये टीजीटी के लिए है, ठीक है, याद रखना ये टीजीटी के लिए। अभी अगर हम बात कर लेते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए, अगर हम बात करें तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट यानी कि ग्रेजुएशन में आप लोग का 3 साल में इंग्लिश होना चाहिए और फिर आप लोगों का जो है बीएड होना चाहिए, और बीएड भी इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ टीचिंग मेथड में होना चाहिए। होता है ना कुछ कुछ लोग बीएड में इंग्लिश नहीं रखते हैं, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू रूल यही होता है कि बीएड में आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रखेंगे जिसका आप टीचर बनना चाहते हैं, तभी तो आप लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए भी आप लोग को वही है बीएड चाहिए होगा और ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होना चाहिए। बायो एंड केमिस्ट्री है, टीजीटी पेट है जो आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन जिसको कहलाता है, उसमें आपको बीएलएड चाहिए है। और उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा पीआरटी के लिए, तो देखो पीआरटी के लिए इसमें बीएड भी ले रहा है, डीएलएड वाले बच्चे को भी ले रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। 12th पास और फिर आपका बीएड हो या डीएलएड हो, दोनों को जो है आप लोगों को लिया जा रहा है। बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड वाले बच्चों को भी लिया जा रहा है। ध्यान से देखो, पास इन सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट टेस्ट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट प्लस 2 लेवल एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आप लोगों का है कि बीएलएड को लेकर के यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है। नीचे में आओगे तो यहां पर आपको बीएड को लेकर और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड को भी ले रहा है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा किया हुआ है। सीटेट और टेट का कोई पंगा नहीं है, सीटेट और टेट के लिए डिमांड यहां नहीं किया गया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो इसमें डिमांड नहीं रहता है, तो ये इसमें है ही नहीं। तो अगर हम बात करते हैं आप लोगों का प्ले टीचर के लिए, तो इसमें नर्सरी आप लोगों को चाहिए होगा, बीएड नर्सरी का जो क्वालिफिकेशन होता है एनटीटी ये चाहिए होगा, या बीएड आप नर्सरी से किए हुए हो वो आप लोगों को चाहिए, इंग्लिश चाहिए प्लस 2 तक, ये सब है। इसके बाद जो रिटन टेस्ट होगा उन लोगों का किस तरह से डिवाइडेड होगा, 1.5 घंटे का जो है एग्जाम होगा और उसमें आप लोगों को 50 मार्क्स के सब्जेक्ट रहेंगे, और ये रिटेन टेस्ट मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोगों का रिटेन टेस्ट होगा, एंड देन आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा जिसको हम लोग इंटरव्यू बोल रहे थे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द रिटेन टेस्ट विल बिकम एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट दैट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इम्प्लांट बेस्ड ऑन रिटेन एंड स्किल टेस्ट, द पैनल विल बी ऑपरेटेड एज एंड व्हेन वैकेंसीज अराइज। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट में यही होगा कि आपका टीचिंग मेथड देखा जाएगा और डेमो क्लास आपको दिया जा सकता है, आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे इंटरव्यू के, जैसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होता है उस तरह से ही इसमें रहेगा, तो इस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। चलिए सैलरी पर आ जाते हैं, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और एज भी देख लेंगे कि एज कितना मांग रहा है। देखो सैलरी जो है 2 तरह से है, या तो आप लोग जो है सैलरी इस तरह से ले सकते हो, 21,250 है वो आप लोग को मिलेगा, कॉन्सोलिडेटेड लिख दिया है, जो ज्यादा कैंडिडेट डिजर्विंग रहेगा उसको लिए जो है बढ़ाया जा सकता है, या फिर पर डे बेसिस पे ले सकते हो, 170 पर पीरियड रहेगा, 5 पीरियड एक दिन में लेना है, ये पीआरटी के लिए है। टीजीटी के लिए 26,250 है, या फिर आप 210 रुपए पर पीरियड ले सकते हो तो 5 पीरियड लेना होगा। एज के लिए बात करते हैं तो पीआरटी के लिए 40 साल है और टीजीटी के लिए 45 साल है। इसके अलावा
आप लोगों को यहाँ पर जो ओबीसी और एससी एसटी को मिलता है, आप लोगों को छूट, एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आप लोगों का अलग से रहेगा। तो एज भी आप लोगों को अच्छा खासा दिया गया है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट हैव टू सबमिट ड्यूली फिल्ड एन एप्लीकेशन विद ऑल रेलिवेंट जेरोक्स कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म इज टू डाउनलोडेड, और आप लोगों को उसके बाद एंड ड्रॉप इट विद कॉपी सर्टिफिकेट्स इन द बॉक्स, आप वहां पे जा करके दे सकते हो। या इसका लास्ट डेट जो है 16 दिसंबर है, ये कल से स्टार्ट हुआ है, सॉरी ये आप लोग कहा 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट आप लोग का 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि जो लोग जो है आप अप्लाई करने वाले हैं बाय पोस्ट, तो जो लोग भी बाय पोस्ट अप्लाई करने वाले हैं वो देखो यहाँ पर ईमेल के थ्रू जो है एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन सेंट बाय पोस्ट शुड बी एड्रेस टू प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन एटॉमिक, ये आपका जो है एड्रेस है जहां पे आपको देना है, स्कूल टू DAE कॉलोनी ECIL पोस्ट हैदराबाद। नो एप्लीकेशन रिसीव बाय पोस्ट बियॉन्ड 3 बजे के बाद नहीं किया जाएगा, यहां तक आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं। ये एड्रेस है जिस पर आप लोगों को भेजना है। अब चलिए मैं आप लोगों को फॉर्म दिखाती हूँ, जो फॉर्म आप लोगों को भरना है जिसमें सारा डिटेल देना है और साथ साथ में जो है आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट भी देना है। ये है फॉर्म, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस अपना डिटेल ही डालना। देख लो एप्लीकेशन फॉर्म, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो पहले वो, यहाँ पे अपना फोटोग्राफ लगा देना है और सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देना है। एप्लीकेशन नंबर तो आप लोगों को नहीं पता है, वो लोग खुद ही डालेंगे। नेम अपना ब्लॉक लेटर में, फादर्स नेम, स्पाउस नेम अगर मैरिड है तो, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को अपना डालना है और अपना एज यहाँ पे क्लियर कर देना है, जेंडर है, कास्ट है एससी एसटी ओबीसी बीसी या फिर अदर से है तो एड्रेस, एड्रेस अपना अच्छे से डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, कंप्यूटर प्रिपेयरिंग स्टडी मटेरियल्स, पीपीटीज, ऑडियोज, वीडियोज, वर्कशीट। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस लेने का, या फिर आपने जो है पीपीटीज बनाए हुए हैं, बीएड में आप लोग बनाते भी हो, तो वो सारी चीजें इसमें डाल देना है, यस कर देना इसको, ठीक है। और उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना इसमें आप लोगों को डालना है, और यहाँ पर टीचिंग क्वालिफिकेशन बीएड है, डीएलएड है, बीएलएड है, जो भी है, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो डालोगे, नहीं है तो नहीं डालोगे। और फिर उसके बाद डिक्लेयर कर देना है, यहाँ पे आपका साइन होना चाहिए, नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए। ये फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसको अपने हाथ से भरना है, ठीक है, आपका राइटिंग भी इसमें देखा जाएगा। और फिर उसके बाद से आपका जितना जो डॉक्यूमेंट है जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड या डीएलएड जो है वो, और पूरा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो, कंप्यूटर या डीसी आपने अगर किया हुआ है तो वो भी डाल देना, और सभी का जो है प्रिंट आउट निकाल करके आप लोगों को इसको जो है बोल सकते हो कि सभी जगह एक ही जगह जो है स्टेपल करना है और फॉर्म में आप लोग एनवेलप में डाल के अप्लाई कर देना है। आप लोगों को जो एड्रेस मैंने बताया उसी पर आप लोग अप्लाई करोगे, उधर से आप लोग को कॉल आएगा या फिर आपको मेल, आपका मेल आईडी लिया गया है, मेल भेजा जाएगा कि यू हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पोस्ट, और जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली, एक्सपीरियंस बेस्ड जो है ये चीजें होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे काम करना है, कुछ चीजें सीखनी है, तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि नेशनल लेवल की चीजें जो है आपको सिखाई जाएगी बस। और बाकी है इसमें और इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, जिनका उनके बाद उनको क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, ये दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी वैकेंसी सामने निकल कर आ रही है। अगर जिनको भी एक्सपीरियंस लेना है बिल्कुल ले सकते हैं, और जिन लोगों को भी जो है अभी फ्रेशर है, अभी अभी जो आपका बीएड या फिर आपका जो है कंप्लीट हुआ है डीएलएड, तो आप लोग बैठे हुए हो तो जरूर इसको एक एक्सपीरियंस ले सकते हो, कर सकते हो। और बाकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो भी वो लोग कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं ठीक है आपको आना है तो आइए टाइप का नहीं रहता है। उनको वो भी अपना अच्छा कैंडिडेट जाने नहीं देना चाहते, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है,
लेकिन अगर आप अच्छे से काम करते हो, आप अच्छे से सारी चीजें करते हो, तो वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ यहाँ पर एक्सटेंशन जो है हो ही जाता है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो। आई होप कि आप लोग के सारे क्वेरी दूर हो गए होंगे और आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दो। देखो, आपको एक बार फॉर्म फिल जरूर करते रहना चाहिए, खास करके जो फ्री वाला फॉर्म है ना, उसको तो जरूर अप्लाई करना चाहिए ताकि एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को। इससे इस तरह की अदर कोई वैकेंसीज आती है जो आप लोगों के लिए जरूरी होगी, तो डेफिनेटली हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।